नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। वानखेड़े पर मुकदमा, आर्यन खान को बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे। अदानी हिंडनबर्ग विवाद, सेबी को जांच के लिए 6 महीने नहीं 3 महीने देंगे सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग जैसे ढांचे की वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया। इंदौर में ईडी की कार्रवाई पूरी, 91 लाख नकद व 250 करोड़ की अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। इमरान को राहत, गिरफ्तारी पर 15 मई तक रोक, देर रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर फायरिंग। गुजरात में जिला जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज वर्मा समेत 68 जजों का प्रमोशन अवैध। देश भर में अगले 2 दिन पारा चढ़ने की चेतावनी, लू का प्रकोप बढ़ेगा। सतना के रामनगर में हादसा, बारातियों से भरी बस पलटी, 2 की मौत 22 लोग घायल। आंध्र में राज्य के कल्याण के लिए सीएम जगन करा रहे हैं 6 दिनी यज्ञ। अमेरिका में टाइटल 42 पॉलिसी खत्म हुई, बॉर्डर पर जुट रही भीड़। मुंबई में सचिन तेंदुलकर के नाम का इस्तेमाल करने पर FIR। वॉशिंगटन में रिपब्लिकन दावेदार रामास्वामी बोले, वोटिंग की उम्र 25 साल करेंगे। ममता ने दिया सुझाव, 3 साल में डिप्लोमा देकर डॉक्टर बनाए। अयोध्या में मूर्त रूप की ओर भगवान श्री राम का मंदिर। ट्रंप की विज्ञापन डील हेट कर चुकी लिंडा ट्विटर CEO। फ्रांस में ओलंपिक के लिए नदी बैक्टीरिया फ्री कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया, अफगानिस्तान 8 प्रांतों में टिड्डियों का हमला, गेहूं की 25% फसल चट होगी। अमेरिका में व्यूज के लिए क्रैश करा दिया था प्लेन, यूट्यूबर को 20 साल की जेल। पुतिन के माता पिता की कब्र अपवित्र की, रूसी महिला को 2 साल की सजा। स्टीव जॉब्स का साइन किया 14,000 रुपए का चेक, 88 लाख रुपए में नीलाम हुआ। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।